अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अबुल हसन अली हाशमी, कॉप मेंबर MIM औरंगाबाद। आज महापौर ने, औरंगाबाद मेयर ने जनरल बॉडी मीटिंग से मुझे एक दिन के लिए निलंबित किया और ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है और ये दुरुपयोग है अपने पद का। मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपनी बात रखूं। मुझे निलंबित इसलिए किया गया कि सत्ताधारी पक्ष शिवसेना के कॉरपोरेटर, उन्होंने बॉटल में उनके एरिया में जो पानी सप्लाई हो रहा है वो बॉटल का सैंपल उन्होंने लाया और सभागृह में उन्होंने जो है महापौर और कमिश्नर साहब के सामने रखा। तो वो बॉटल का पानी देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसके वो जहरीला पानी है, गंदा पानी है और उसमें ड्रेनेज का पानी मिक्स है। और ये मसला सिर्फ जो है उस एरिया का मामला या एरिया का मसला ही था, ये सारे शहर औरंगाबाद का मसला है। आसिफ कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी में भी ये मसला है और बहुत सारे वार्ड में रोज बरोज जिस दिन सप्लाई होता है उस दिन ये शिकायतें आ रही है। तो मैंने महापौर साहब से इस बात की अपील की, जो मुझे हक है, संविधान ने मुझे हक दिया है कि मैं कॉरपोरेशन का सदस्य हूं, मैं अपनी बात को वहां पे रख सकता हूं। मैंने कहा कि भाई इस मामले को आप पहले सुलझाएं, पहले सॉल्व करें कि ये पानी का, गंदे पानी का जो मामला है ये बहुत गंभीर है, इससे लोगों को बीमारियां हो रही है, इससे लोगों को जान का खतरा लाहक है, इससे लोगों की जान जा सकती है। महापौर साहब मुझे बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप बैठ जाए। अरे भाई क्यों बैठ जाए, इतना सीरियस मुद्दा है, पानी से लोगों को जो है गंदे पानी से मसाइल हो रहे हैं, मैं कैसे वहां पे जो बैठता, मैं अपनी बात नहीं रखूं। मैंने अपनी बात रखी वहां पे। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि जब से मीटिंग चल रही थी उन्होंने 3 बार मिनरल वाटर जो है मंगा के पानी पिया और ये जनता को जो है जहरीला पानी पिलाना चाहते हैं, ये कहां का इंसाफ। ये महापौर का सिर्फ ये पानी का मुद्दे की बात नहीं है, बहुत सारे शहर के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं जो ये महापौर उस डेवलपमेंट को करने में, सॉल्व करने में, पब्लिक के मसाइल को हल करने में फेल हो चुके हैं और इन्होंने अननेसेसरी बिला वजह सारे शहर का, पब्लिक का मसला था, कोई इंडिविजुअली मेरा मसला नहीं था, मेरे घर में गंदा पानी नहीं आ रहा था, सारे शहर का मसला था। मैंने उस चीज को उनके सामने रखा। तो महापौर साहब अपने आप को तानाशाह समझते हैं, तानाशाही वो चलाते हैं, उनका ये सोचना है कि कोई भी आदमी उनकी गलतियों के उनके सामने ना रखे, अगर उनके सामने रखे तो वो निलंबित कर देते हैं, ये कोई तरीका है। इससे पहले भी लास्ट GB में भी उन्होंने ऐसे ही हमको निलंबित किया और इस GB में भी जो है मुझे निलंबित किया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हाईकोर्ट के सामने ये मुद्दे रखूं। खुदा शुक्रिया।